हेलो Thank you.
आपका घर आ गया है। यो किसा घर है? के कमीला की थने इसमें बीतना कोड़ा बोड़िया ये बहुत हो लग गया है। ईमेल एंटर की छात छात द्वारा किए तो एक काम करो। हाँ? आप सब कौन हो? अगर पड़ोसन है। अच्छा, इस घर में और मेहरबानी कौन है? और मेहरबानी अच्छी तरह से तीन जना हो जाने लगे तेरे बिना खुटा खाली है। लेमोन एक काम करो। क्या? आज की रात मेरे दौरे देख जाओ। अरे मैं पट्टी कौन सी यार? ए पट्टी तो मैं ही सू। अरे तेरे पालक ए बूढ़ सो अगर रो तेरा कमाऊ जी तेरे तेरे छोरा हो चमासा में। अरे चमासे तो छोड़ दियो होते ये बात खा जाएंगे मच्छर। सबको दवाई दवा दूंगी। अरे सुन ले, दो महीने भी पूरे ना होने दे ली ये बात है। चमासे छह महीने में हरी तू आजाद की रात मेरे दौरे पे फिसा। मैं भी कौन है डट्टू? क्यों हमारे वाला एक किस दिन का भूखा उसने होटल में छोड़ खाऊंगी। अरे तू डट जा। ए मैं कौन डटती? क्यों मेरे तो बालक रोते होंगे। तेरे बालक भी हो गए ये सारे मेरे बैठे। हाँ देख देख टका मुंह भी नहीं धो रखे देखे बच्चे। अरे ये तो बैठी करती ना तो ना तो न्यारा गुड़गांव में बसावे। अरे तू डट जा। मैं ना डटती बहू तो बाबा से भाई मेरी बात सुनो। ये दो पीछे की कैसे है? वो दो पीछे की नू है वो तो ऐसे नहीं नहीं है। अरे तो मैंने सराय काम मकान रखी है। अच्छा इसलिए लाख रुपए की है। अरे भाई सुन। हाँ ठीक है मान लिया। नहीं नहीं आइए कार व्यवहार का ज्ञान नहीं है। अच्छा अगर उसने कुछ बुरा भला कह दिया हो तो उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ कर माफी मांग लेता हूँ। चल भाई कोई बात ना, हमारा तो ऐसा ही बुरा सुना। मेरी बात सुने लगभग जो कुछ काम लेना हो तो मेरे पे देती। ठीक है बाबू साहब। अरे टिंजा हो क्या हो दास के? अपने घर का तो धंधा बनता नहीं दूसरा के काम उठते आना। मैं तो सारा करे आई। वो बिलोनी धोती तेरे कुत्ते चट्ट लाग रहे। वो तो तुम नहीं धोनी थी। वो सलवार धोती तेरे बाथरूम में 3 दिन हो गए। सलवार भी धोती और सलवार के लेके मोर दो। ओ भाई ओ करम ठोक है तुम अपने घर चले जाओ। ये बात मैं जानू जितने नसीब सो तुम कितने से भाई। मैं तुमने भट्ठे धोरे में काट देना पहली एक भी ईट नहीं पक गई सारी पीली रह जाए। सुन ले भाई रे अगर हम भट्ठे धोरे के लिए कर जाना है हम तो चटका बना देंगे तू मोड़ देंगे इतना ने फिर भी बेकार जाएंगे। नहीं मैं तो काम आऊंगी। खतरानी जी महाराज। भाई ये तो तूने अच्छा व्यवहार नहीं किया। गलती हो गई महाराज आइंदा कभी ऐसे नहीं होगा। हाँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज। घर पर कोई आसपड़ोस से आता है कोई मेहमान आता है जी तो उसकी सेवा पानी करो। ठीक है महाराज। एक बात और है। क्या? एक तेरी तरफ का मुझे बड़ा भारी फिक्र है। मेरी तरफ का? हाँ क्या फिक्र है? फिक्र ये है कि घर में ना कोई माता पिता है ना बहन भाई है ना चाचा ताऊ है। कैसे तू अकेली कैसे रहेगी छत्राणी? क्या ये फिक्र है मुझे सुनाइए। हेलो 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 हेलो
साथ लेकर जी
कई बरस वन में रहते रहते बीत गए थे। अच्छा, भगवान कृष्ण उनसे बड़ा प्रेम रखते थे पांडव से। जी। भगवान कृष्ण की 16108 रानियां थी। जी। परंतु 8 उनमें प्रमुख थी। अच्छा, और सबसे ज्यादा रूपवती थी सतभामा। जी। परंतु सतभामा में बहुत अहंकार था। जी। दूसरी रानियों से ईर्ष्या भाव रखती थी। जी। भगवान कृष्ण ने कई बार उसे समझाया। जी। कि सतभामा, ये तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। जी। परंतु नहीं मानी। हाँ। भगवान कृष्ण ने सोचा कि कभी समय मिले तो द्रौपदी से इसके भेंट कराऊं, कुछ वार्तालाप इनके होंगे आपस में। जी। तो इसका भ्रम, ये अहंकार सब दूर हो जाएगा। जी। क्योंकि द्रौपदी एक महान पति वर्ता है। जी। तो एक दिन समय निकाला। जी। सद्भावना को लेकर रथ में बैठा कर वन में जा पहुंचे जहाँ पांडव रहते थे। जी। तो पांडव ने भगवान कृष्ण को देखा, नमस्कार की। जी। बैठने के लिए आसन आदि दे दिया, जलपान कराया। जी। तो कुटी के कोने में पांचों पांडव भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं। जी। और दूसरी तरफ द्रौपदी और सतभामा बैठ गई। जी। आपस में बातें करते रहे। जी। अगर द्रौपदी को किसी चीज की जरूरत होती। जी। तो वहां से उठती नहीं। जी। वही बैठी बैठी अपने पतियों की तरफ केवल इशारा करती। जी। और उसके पति उसके इशारे को समझकर काम कर देते और वापस बैठ जाते। जी। अब सतभामा ये सब देखकर बड़ी हैरान हुई। जी। कि बड़ी अचरज वाली बात है कि द्रौपदी ना तो अपने स्थान का त्याग करती है। जी। और ना मुख से बोलकर कुछ कहती है। जी। केवल बैठी बैठी अपने पतियों की तरफ इशारा करती है। जी। और इसके पति इसके इशारे को ही समझकर वो कार्य कर देते हैं, फिर बैठ जाते हैं। जी। तो हिम्मत करके द्रौपदी से कहने लगी कि द्रौपदी तू कितनी भाग्यशाली है। जी। कि कैसे सतभामा। जी। कि मैं कितनी देर से देख रही हूँ। जी। तू बैठी बैठी इशारा कर दिया, तेरे पति तेरे इशारे को समझकर काम कर देते हैं। हाँ। तेरे पति तो तेरे वश में है। जी। जैसे रथ का सारथी घोड़ों की बाघ पकड़ कर अपनी काबू में कर लेता है। जी। तेरे पांच पति तेरी मुट्ठी में है द्रौपदी। जी हाँ। मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ। जी। के मुझे वो चीज बता, वो दवा बता। जी। जो अपने पतियों को खिलाई है और अपने वश में कर लिया। जी। जब ये कहा तो द्रौपदी को बड़ा क्रोध आया। जी। अच्छा। कहने लगी, सतभामा, हाँ? मैं कृष्ण को भाई मानती हूँ। अच्छा। और तू उनकी पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। जी। अगर तेरे स्थान पर कोई और स्त्री होती और ये लफ्ज ये शब्द कहती। जी। तो मैं अपने पास नहीं बैठने देती। जी। धक्के मार कर बाहर निकाल देती। जी। निर्लज, संसार में आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी। जी। कि जिस दवा के देने से पति को वश में कर लिया जाए। जी। परंतु जिस स्त्री में इतने गुण होंगे, इतने लक्षण होंगे जितने दादा ने इस रागिणी में बता दिए, उसका पति खुद ब खुद उसकी काबू में रहेगा। सुनियो What the fuck is
करते हंस के बोले ओ लड़ा ना झगड़े
ना महाराज। वाह वाह छत्राली, अरे तुम तो वाकई पतिव्रता के कायदे मर्याद धर्म लक्षण सब कुछ जानती हो। जी बहुत अच्छी बात कही है, एक बार और बता, कोई पड़ोसी सुनेगा तो उसका भी भला होगा। ठीक है सुनिए, सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने। अच्छा, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म किस्म ने। जानू सुधर्म किस्म ने। जी हाँ, पहली बात में क्या कहा, पत्त उठ के धंधा कर ले। हाँ। अपने पति ने नुआ के नहाना, फिर धोती करके करे रसोई यो पतिव्रता का बाना। बल्लम ने परमेश्वर समझे साजन के गुण गाना, फिर जब जीव झूठ पति चला जाए उठ के पाछे भोजन खाना। और फिर ओढ़ पहर के सत्य पंडित हाजिर करते दमने। हाँ। मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म किस्म ने। बहुत अच्छी बात कही। दूसरी बात, नहीं गुमान रूप धर करके नहीं उछल के चले। हाँ। पति के बदले भीड़ पड़ी में जान देने की साले, पति बिराना पिता बराबर नहीं कदे दिल हाले। हाँ। जब मंगता भी आज तो पर्दा कर गु भीख जरूरी गल है। क्यों मंगता के दाने न फिर टोटे घर के धन गणे कमने। हाँ। मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म किस्म ने। जे मंगता भी आजा जी ते पर्दा करके भीख जरूरी घाल ले। जी हाँ, देखिए हमारा जो प्राचीन समय रहा तो उस समय औरत के लिए पर्दा बताया है। विद्वानों ने कहा है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, परंतु अब समय का बदलाव है, समय के अनुसार भी चलना चाहिए। क्यों बताया कि संसार में चार शत्रु बड़े प्रबल होते हैं, ऋणकर्ता पिता शत्रु और माता च विचारणी रूपवती भारिया शत्रु और पुत्र शत्रु है पंडित है। कि जो पिता एव स्वभाव में अपनी संतान के सर कर्ज छोड़कर इस दुनिया को त्याग कर चला जाता है वो पिता शत्रु के समान बताया है, और माता भी विचारणीय चरित्र ही ने आचरण अच्छा नहीं है वो माता भी शत्रु के समान है, और अति रूपवती स्त्री पत्नी वो भी शत्रु के समान है। वो कैसे है, ऐसे अगर अपने पति के साथ किसी रास्ते से गुजर रही है। जी रूपवती ज्यादा है। जी और पर्दा नहीं किया। जी कोई दूसरा पुरुष उसे बुरी नजर से तक ले। जी तो वो बात पति से बर्दाश्त नहीं होगी। जी वह झगड़ा हुआ और झगड़े का परिणाम गलत होता है। जी तो रूपवती पत्नी भी शत्रु के समान होती है। जी और जो पुत्र मूर्ख है कोई गुण नहीं रखता माता पिता की बुजुर्गों की सेवा नहीं करता क्या का पालन नहीं करता ऊंच नीच कायदे मर्याद को नहीं जानता विद्या ग्रहण नहीं की। जी वो पुत्र भी शत्रु के समान है। जी तो मंगता भी आ जाता पर्दा करके भीख जरूरी गाल। जी हाँ अगली बात, जो बल्लम की दास स्त्री ऊंच नीच ने तो ले चाहे अठो पहर उदास रहे साजन ते हंसके बोल ले। चाहे अठो पहर उदास रहे पर साजन ते हंसके बोल ले। लड़े न झगड़े करे चुगली न चोरी, लड़े न झगड़े, लड़े न झगड़े चुगली न चोरी ना की तक करती डोले। आए गए की श्रम करे नित रहना पड़ते उल ले। दरक समान सब मनुष्य समझ सोचूंगी पति धर्म ने। मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म किस्म ने। ठीक है आखिरी बात, मान सिंह सतगुरु की सेवा शिष लक्ष्मी चंद करने। जैसे सती ने बालम शिष ने सतगुरु पूजन लाभ चरण में। ये दुनिया भरी पड़ी होकर किसान जी नाम धरण दे। कण खरे झूठी देकर सेवा सी ओझा से ऊत मरण दे। और बहुत क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत कहे पर चार बिना ना स्वाद आवता हमने। मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म किस्म ने। इससे बढ़कर दुनिया में और क्या प्रचार हो सकता है। जी जो इंसान को धर्म सिखाता है। हाँ। कायदे मर्याद सिखाता है। जी फिर सवाल किसी का नौकर भी नहीं होता। जी हाँ हाँ, स्वाद किसी का नौकर भी नहीं। जब होना आना हो ना, जब जंगल होती आना आ जा भाई, उड़े तारे से टूटे जाए बेटे बेटे।